नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्वाद। आज बनाएंगे ककोड़ा या कंटोला, जो भी बोलिए इसका सब्जी। ये करेला प्रजाति की है मगर इसमें कड़वाहट एकदम नहीं रहता है। और ये जो रेसिपी बनता है दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बनता है और आज थोड़ा नया तरीके से बनाएंगे। तो इसके लिए मैं 300 ग्राम के करीब एक कंटोला ले लिया हूँ और इसको पहले से पानी से धो के अच्छे से साफ करके ऐसा गोल गोल टाइप काट लिया हूँ। तो आप लोग चाहे तो लंबा लंबा भी काट सकते हैं, मगर गोल गोल काटने में भी बहुत सुंदर लगता है देखने में, इसलिए काटा हूँ। इसके बाद इसके अंदर दे देंगे सूखा मसाला, दे दिए 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक और आधा टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। और इन तीन मसालों को अच्छे से इस कंटोला में अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इस सब्जी में बहुत ही ज़्यादा औषधीय गुण है जो शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए, स्किन डिजीज के लिए या आँख के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। इस सब्जी को बनाने के लिए मैं एक मसाला तैयार कर लूँगी। इसके लिए ले लिया हूँ 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून ले लिया ब्लैक पेपर सीड जिसको काला मिर्च बोलता है, और आधा टीस्पून सरसों ले लिया और एक लाल मिर्च। इसको अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद एक मिक्सी का जार ले लेंगे। मिक्सी का जार के अंदर इसको अच्छे से पीस के एक पाउडर बना लेंगे। और इस सब्जी में इस मसाला देने से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है दोस्तों। आप लोग इस तरीके से एक बार बना के ज़रूर देखिए, आप लोग नॉन वेज खाना भूल जाएंगे। उसके बाद मैं कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल ले लिया हूँ। आप लोग चाहे तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। और उसके बाद ये जो सब्जी है, सब्जी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इसको एकदम कड़वा करके फ्राई करने का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा लो टू मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई करना है। और इसका कलर जब थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा तो तब इसको हम उठा लेंगे। और ये जो सब्जी है दोस्तों, इसमें तो कड़वापन नहीं रहता है और बहुत ही टेस्टी बनता है ये सब्जी। तो देखिए, मेरा जो सब्जी था वो अच्छे से मैं फ्राई कर लिया हूँ और अलग एक बर्तन ले लिया, उसके अंदर ये जो सारे सब्जी था उसको मैं उठा रही हूँ। और ये जो तेल है, तेल भी थोड़ा कम ही लगता है। और ये तेल के अंदर ही मैं दे दूँगी आधा टीस्पून जीरा, और मैं 2 बड़ा साइज का प्याज को ऐसा एकदम पेस्ट बना के रखी थी। प्याज को भी इस गर्म तेल के अंदर दे के 5 से 6 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि प्याज को फ्राई करने में थोड़ा टाइम लगता है। और इसको लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई कीजिए। इसमें क्या होता है, प्याज जो होता है बहुत ही अच्छा भूनता है। तो देखिए, प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है, कलर भी चेंज हो चुका है। इसी टाइम पे मैंने दे दिए 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट देने के बाद भी 1 से 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और 1 बड़ा साइज का टमाटर को मैं प्यूरी बना के रखी थी, उसको भी डाल दिया। थोड़ा सा पानी ऐड करके इस मसाले को अच्छे से फ्राई करना है। और इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई करने के बाद इसके अंदर दे देंगे कुछ सूखा मसाला। तो देखिए, टमाटर देने से सब्जी का कलर जो है बहुत ही बढ़िया आता है। और इसी टाइम पे दे दिए 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून दे दिया धनिया पाउडर, और जो रोस्टेड मसाला मैं तैयार करके रखी थी वो दे दिया पूरा। और ये मसाला देने के बाद दे दिया 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून चीनी। चीनी ऑप्शनल है, आप लोग चाहे तो दे सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी दे सकते। चीनी देने से बहुत बढ़िया एक स्वाद निकल के आता है। उसके बाद सारे मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इसको फ्राई करने में 7 से 8 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम में लगेगा। तो देखिए, मसाला का कलर जो है धीरे धीरे चेंज हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा डार्क हो रहा है। और मसाला देखिए अच्छे से सूख चुका है और बढ़िया सा एक कलर निकल के आए। तो इसी टाइम पे इस मसाला को अच्छे से फ्राई करने के बाद जब एकदम सूख जाएगा तो इसके अंदर ग्रेवी के हिसाब से आप लोग पानी दे दीजिए। अगर आप लोग ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा पानी दीजिए, अगर थोड़ा आप लोग गाढ़ा रखना चाहते हैं तो कम पानी दीजिए। पानी देने के बाद इसको अच्छे से बॉयल करने के बाद जो सब्जी मैंने फ्राई करके रखी थी उस सब्जी को इसके अंदर डाल देंगे। और इसको एकदम लो फ्लेम में 10 से 12 मिनट तक इस मसाला के अंदर अच्छे से कुक करेंगे। ये क्या होगा, इस मसाला का जो फ्लेवर और टेस्ट है ये ककोड़ा के अंदर अच्छे से आ जाएगा। ककोड़ा या कंटोला आप लोग जो भी बोलिए, और बहुत ही बढ़िया स्वाद निकल के आता है। और ये जो रेसिपी बनता है दोस्तों, घर में छोटे से बड़ा सभी कोई बहुत पसंद करेगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप लोग स्टीम राइस के साथ, रोटी, पराठा, नान कुछ के हिसाब से खा सकते हैं। लास्ट में हम दे देंगे फ्रेश धनिया। इसमें स्वाद जो होता है दोस्तों, फ्रेश धनिया जैसे एक अलग सा फ्लेवर निकल के आता है। तो मेरा जो ये रेसिपी है देखिए, एकदम खाने के लिए रेडी हो चुका है। मैं थोड़ा गाढ़ा टाइप रखी हूँ, आप लोग चाहे तो लिक्विड भी रख सकते हैं इसका ग्रेवी को, और ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता दे दिया।
तो आज का रेसिपी मेरा कैसा लगा जरूर दोस्तों कमेंट करके बताइए। अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत बहुत शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।